9 अप्रैल को हुए बस स्कूल हादसे में अकाल मृत्यु का शिकार हुए परिजन प्रशासन की अब तक की जांच से पूरी तरह असंतुष्ट हैं। इसी को लेकर इन परिजनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। परिजनों की माने तो प्रशासन ने अब तक की जांच में दुर्घटना का कारण मानवीय भूल या बस चालक को नींद आने की संभावना जताई जा रही है, जो कि पूरी तरह काल्पनिक है। इनकी माने तो बस चालक का मलकावाल में दो बच्चों को उतारने के बाद 100 या 200 मीटर की दूरी पर दो युवतियों को लिफ्ट देता है और उससे कुछ दूरी पर ही बस हादसे का शिकार हो जाती है। ऐसे में कुछ मीटर के अरसे में ड्राइवर को नींद आने का अंदेशा जताना सरासर गलत है। इन परिजनों का कहना है कि ये बस बहुत पुरानी थी और एक बस ऑपरेटर से इसे खरीदा गया था, क्योंकि इस बस से बस का रूट बोर्ड भी मिला है, जो ये जताता है कि बस किसी निजी ऑपरेटर के पास रही होगी। उन्होंने इस दुर्घटना के लिए स्कूल प्रशासन के साथ लोक निर्माण विभाग को भी दोषी माना। उन्होंने इस घटना की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। नाम बताना सर। मेरा नाम विक्रम सिंह है। विक्रम जी, अभी तक जो जांच हुई है किस दिन संतुष्ट है? मैं सर इसके ऊपर बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। जितनी भी अभी तक कार्रवाई हो रही है, जैसे एडीएम साहब और कुछ पूरी टीम जो नियुक्त की गई थी, जो कि मुख्यमंत्री साहब ने बोला हिमाचल की मानी हुई टीम नियुक्त की गई थी, जिसको इस प्रशासन के ऊपर लगाया गया था एक इंक्वायरी करने के लिए, उन्होंने जो निकाला है कि ड्राइवर को नींद आ गई जब बच्चों को हल्ला शोर करने से पीछे देख रहे थे और हादसा हो गया। सर मेरे को एक चीज बताए, उस हादसे और मलकोल के बीच में मुश्किल से 500-600 मीटर का गैप है। कोई 500-600 मीटर के बीच में वो मलकोल बस रुकती है, उसके ठीक 100 मीटर आगे जाके स्कूल के बच्चों को उतारती है और ठीक 150-200 मीटर आगे जाके वो दो लड़की को उतारती है। उस बस में हादसे के शिकार हुई है और उससे अगले मोड़ में वो बस गिर जाती है। तो मेरे को कोई भी इस बात की जानकारी दे कि वो ड्राइवर कैसे हो सकता है इतनी जल्दी। दूसरी बात, बच्चों के शोर शराबे से बताया, वो एक इंडियन आर्मी का सोल्जर था, मैं भी एक इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ। वो 24 साल बिल्कुल अपनी नौकरी सर्विस करके आया, ड्राइविंग की है उसने, प्लस 10 साल से ज्यादा उसका एक्सपीरियंस स्कूल में हो गया चलाते हुए, लगभग 30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाला, आज तक उसने पहले बस नहीं गिराई। पहले भी तो बच्चे शोर करते होंगे। कारण क्या बताना? कुछ बंदरों क्या लगता है आपको, जितनी जांच हुई है आप कितने संतुष्ट हैं? सर हमें तो यही है कि हमारे इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे बच्चों के बाप, क्योंकि बच्चों की आज जो अखबार छपाई है इन्होंने, इस अखबार के मामले में बताओ आप, बस को ड्राइवर बोलते हैं कि नींद आ गई। नींद आ सकती है? जो ड्राइवर इतने साल से बस चला रहा है, दो मिनट में उसको नींद आ जाती? ये तो गलत लिखा है ना उन्होंने। बस कुल मिला के जो जांच है वो अच्छी नहीं हो रही, संतुष्ट नहीं है हमें इसमें बिल्कुल। एक दो सवारियां उनको बिठाते हैं तो अगले मोड़ पे क्या उनको नींद आ गई? बोलते हैं ड्राइवर की गलती है, तो क्या गलती है? ड्राइवर को कहाँ से नींद आ गई? बस की तो इसमें ड्राइवर की कहाँ गलती है? गलती तो बस वालों की है, बस खराब थी, बस में 2-3 बार आग लगी है। हमारे बच्चे तो हमारा बच्चा बरोड़ा से पढ़ के आया है, लेकिन हमारे बच्चे को कभी कभी खरोज तक नहीं आए, इतनी दूर से लेके आए हम अपने बच्चे, एक साल भी नहीं हुआ अभी इधर आए हुए हमें, तो हम अपने बच्चा कहाँ से लाए? तो जो प्रिंसिपल, मेरा बेटा था उसका नाम कार्तिक कटोच है, जो प्रिंसिपल है उसने बोला है आपका एक बच्चा मरा, फोन करके बोला है उसने, घर तक एक बार पूछने नहीं आए कि क्या हुआ क्या बात है। हमारे बच्चे के बारे में एक बार भी पूछना है, मेरे भाई का मरा है, मेरा खुद का मरा है, तो लेकिन इन लोगों को इतनी शर्म नहीं, फिर भी स्कूल चालू करके बैठे थे, तो हम लोग कैसे शांत बैठे? हमें आग लग गया, हम लोग अपने बच्चों के शोक में बैठे हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, हम क्या करें? अब हम यही चाहते हैं कि हमें सीबीआई जांच चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों की आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगी हमें। इस बारे में एसडीएम नूरपुर आबिद हुसैन सादिक का कहना है कि प्रभावितों ने जांच पर असंतुष्टि जताई है, जिसे लेकर वे उच्च अधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित करने की बात कह रहे हैं। ये जो बस हादसे में जो बच्चे मौत के क्रास में था, उनके परिजन और जो भी जांच हुई अभी तक वो उसे संतुष्ट नहीं दिख रहे, तो क्या बोलना चाहिए? वो सारे परिजन मेरे से अभी मिले हैं, वो इससे संतुष्ट नहीं है, उन्होंने हमें ज्ञापन भी दिया है जो हम डी साहब को भेजेंगे। उनका कहना है कि इंक्वायरी जो है ठीक तरह से नहीं हुई है। अब ये जो उन्होंने ज्ञापन दिया है, आपने भी सुना, तो ये ज्ञापन हम चीफ मिनिस्टर और इन्होंने बोला है चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंचाएंगे, और मैं डी साहब के थ्रू वो सीएम साहब तक हम पहुंचाएंगे इनका ज्ञापन, और इनकी जो डिमांड्स है वो हम वहां तक पहुंचाएंगे। द्वारा इंक्वायरी, ये मैं कैसे बोल सकता हूं? मैं तो ये मेरे लेवल की बात नहीं है, ये सरकार के लेवल की बात है, ये सरकार को जो है देखना है, तो इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बस ये है कि इन्होंने जो हमें ज्ञापन दिया है हम ये आगे पहुंचा देंगे सीएम साहब। ठीक है।